हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 की गणित का सिलेबस लेके आए हैं और आप लोग वीडियो की लास्ट तक अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं गणित विषय के कौन से टॉपिक से कितने नंबर आने वाले हैं, इसके पूरे सिलेबस का पूरी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक बने, वीडियो शुरू करते हैं। संख्या पद्धति ये टोटल कितने नंबर का होगा, इसमें से टोटल समय कितना देगा, 3 घंटे का समय रहेगा। प्रश्न को हल करने के लिए 70 नंबर को 3 घंटे का समय रहेगा और 70 अंक का लिखित परीक्षा होगी और 30 अंक का होगा, 30 अंक का क्या होगा, प्रोजेक्ट का कार्य होगा। पूरा टोटल कितना होगा, 100 नंबर का होगा और 70 नंबर क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी और 30 नंबर क्या होगा, स्कूल की तरफ से रहेगा, प्रोजेक्ट का कार्य रहेगा। जैसे आप लोग वहाँ का परफॉर्मेंस रहेगा उस तरफ से 30 नंबर का मिलेगा, 30 नंबर वहाँ मिलेगा। टोटल कितना हो जाएगा, 100 नंबर हो जाएगा टोटल ये। और न्यूनतम उत्तीर्ण कितना है, उत्तीर्णांक कितना है, 23 है एवं 10 है। जो ये 30 है इसमें कितना पाना है, 10 पाना है और इसमें जो 70 में कितना पाना है, 23 पाना है पास होने के लिए। और बात कर लेते हैं सिलेबस की और किस टॉपिक से कितना कितना अंक आने वाला है। संख्या पद्धति मैथ का पहला चैप्टर है, संख्या पद्धति। जो संख्या पद्धति का जो सिलेबस है यहाँ से आप लोगों को 5 अंक आएंगे यहाँ से। और जो दूसरा टॉपिक है बीजगणित, बीजगणित से कितने नंबर का आएंगे, 18 नंबर का आएगा। बीजगणित जो टॉपिक जितने क्वेश्चन आएंगे पूरा टोटल कितना नंबर का आएगा, 70 में 18 नंबर किसका रहेगा, बीजगणित का रहेगा। और संख्या पद्धति में 70 में कितना नंबर रहेगा, 5 नंबर का आएगा। और तीसरा टॉपिक है निरसंक ज्यामिति, निरसंक ज्यामिति से कितना नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा। और अगला है टॉपिक ज्यामिति से कितना नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा। अगला टॉपिक है त्रिकोणमिति से कितना नंबर का आएगा, 12 नंबर का आएगा। त्रिकोणमिति से कितने नंबर का आएगा, 12 नंबर का आएगा। मेंसुरेशन से कितना आएगा, 10 नंबर का आएगा। मेंसुरेशन से कितना आएगा, 10 नंबर का आएगा। संख्या सांख्यिकी और सांख्यिकी तथा प्रायिकता से कितना आएगा, 10 नंबर का आएगा। टोटल कितना हो जाएगा ये मिला के, ये टोटल जोड़ने में कितना आएगा, 70 नंबर। 70 नंबर क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी और 30 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य होगा स्कूल की तरफ से। इसमें पास होने के लिए 70 में से कितना नंबर चाहिए होता, 23 नंबर चाहिए होता। और प्रोजेक्ट के कार्य में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 10 नंबर चाहिए होगा। और टोटल पास होने के लिए कितना, 33 नंबर। 100 में कितना चाहिए होता है, 33 नंबर पास होने के लिए, 33 नंबर। और 70 में कितना चाहिए होता, 23 नंबर। और प्रोजेक्ट कार्य में से 30 में से कितना चाहिए होता, 10 नंबर। और बात कर लेते हैं संख्या पद्धति से कौन कौन से टॉपिक से आएगा नंबर। वास्तविक संख्याएं से आएंगे क्वेश्चन, यहाँ पे क्या होगा, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं का पुनर्भ्रमण, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन करने के लिए 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। जैसे आ गया रूट 2 का सत्यापन कीजिए और रूट 3 का, रूट 5 का, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। पर मैं शायद उदाहरण को, ये अंक गणित के कुछ वास्तविक संख्याएं हैं यहाँ पे, यहाँ से 5 नंबर के टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। अगला है टॉपिक बीजगणित, बीजगणित से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, बहुपद से क्वेश्चन आएंगे, दो चर वाले रेखीय समीकरण के युग्म से यहाँ से प्रश्न आएंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि से हल करने के लिए क्वेश्चन आएंगे। अगला टॉपिक है द्विघात समीकरण से भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। और समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी से भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। और अगला टॉपिक है निरसंक ज्यामिति से कितने नंबर का आएंगे, 5 नंबर का आएंगे। निरसंक ज्यामिति से कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा यहाँ पे। अगला टॉपिक और ज्यामिति से कितना आएगा नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा। ज्यामिति कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, त्रिभुज है, त्रिभुज वृत्त है, और त्रिभुज और वृत्त से कितने नंबर का आएगा, टोटल 10 नंबर का आएगा। अगला टॉपिक है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति से कितने नंबर का आएगा, टोटल 12 नंबर का आएगा। यहाँ से कोण निकालने के लिए आएगा और यहाँ पे सत्यापन करने के लिए आएगा और अप्रूव करने के लिए आएगा। और यहाँ पे ऊंचाई दूरी से भी क्वेश्चन रहेंगे टोटल 12 नंबर के में। मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल से क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतन निकालने के लिए, गोला घन घनाभ गोला अर्धगोला लंबवृत्ति बेलन शंकु, ये सब क्वेश्चन आएंगे इसमें मेंसुरेशन से, 10 नंबर का रहेगा। अगला टॉपिक है सांख्यिकी या प्रायिकता से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे यहाँ, सांख्यिकी प्रायिकता के क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट। ये टोटल 70 नंबर का है और 30 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य है, ये आप लोग सब टॉपिक तैयार कर लेना। और नीचे है यहाँ पे प्रोजेक्ट के कार्य के लिए ये टॉपिक दिया गया है स्कूल की तरफ से, ये 30 नंबर का परफॉर्मेंस है सच, ये प्रोजेक्ट के कार्य के लिए 30 नंबर कहाँ कहाँ से आएगा। यहाँ से
शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए आंतरिक मूल्यांकन के लिए प्रथम आंतरिक मूल्यांकन में जो प्रथम सप्ताह होगा, जो ये परीक्षा प्लस प्रोजेक्ट, अगस्त का माह का जो रिकॉर्ड रहेगा 10 नंबर का रहेगा, और द्वितीय में क्या रहेगा, द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन में और दिसंबर तक रहेगा 5-5, ये कितना होगा 10 नंबर का हो गया। यहाँ से पूरे टॉपिक दिए हुए हैं, इन टॉपिक से परीक्षा या मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे बेस रहेगा, यहाँ से जो परीक्षा लेते हैं स्कूलों में उसी के बेस पे ये नंबर सब दिए जाएंगे, ये सब टॉपिक हैं। 4 यहाँ पे मासिक परीक्षा बनाया गया है, एक कौन कौन सा, एक मई में है, एक मई माह है, एक जुलाई है, नवंबर है, दिसंबर तक का ये पूरा कार्य है। सभी पे क्या है, 10-10 नंबर का है ये पूरा, ये टोटल 30 नंबर का है ये कुछ, ये सिलेबस था। अब मेरा वीडियो यहाँ समाप्त होता है, और आप लोगों के लिए मैथ के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और सभी वीडियो का यहाँ पे क्लास कक्षा यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के लिए सभी टॉपिकों पे अब मैं डेली वीडियो अपलोड करता रहूँगा। यदि आप लोग मेरे चैनल नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मैं डेली वीडियो अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू जय।